जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आज उपवास किया जा रहा है, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर पाएंगे, क्योंकि लगातार एक भी आम आदमी पार्टी जो है तो भाजपा के ऊपर हमला होती नजर आ रही है। देखिए, अरविंद जी को रिहा करना पड़ेगा। आज दिल्ली नहीं, देश नहीं, विदेश के अंदर भी अरविंद केजरीवाल डंका बज रहा है और विदेश के अंदर भी लोग अरविंद केजरीवाल के लोग उपवास रखे हुए हैं। उपवास रखा क्यों है कि उन माता ने उस बच्चे के लिए उपवास रखा है, जो बच्चा अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा कराया था उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या उन लोगों ने उपवास रखा है जिनके गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उसने उपवास रखा है? ये उन लोगों ने उपवास रखा है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर अच्छे इलाज मिलते हैं। तो आज दिल्ली में नहीं, पूरे देश का लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल बन पड़ा है। जैसे आपने देखा, संजय सिंह जी को अंदर ले गए, मनीष सिसोदिया जी को अंदर ले गए, अरविंद जी को अंदर ले गए, सत्यनारायण जी, एक एक करके नेता आते जा रहे हैं। जैसे संजय सिंह जी ने बताया, 5000 पेज के पर्चे बनाए लोगों ने, पर है कुछ नहीं, है घोटाला आम आदमी पार्टी ने करा, घोटाला बीजेपी ने करा है। और बीजेपी के अंदर जितने भी है, 70 से 80% दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी में आते हैं और साफ हो जाते हैं। तो यही बीजेपी की नीति है। बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता बीजेपी के अंदर आ जाए और ईडी सीडी सब खत्म हो जाए। सीधे सीधे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बात की जा रही है। अब ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जेल के अंदर डालने के बाद दिल्ली का जो दिल था वो चीर के दिखा दिया। जैसे लोग कहते ना भाई, हनुमान जी सीना चीर के दिखा दे, राम हमारे दिल के अंदर है। आज दिल्ली और देश की जनता सीना चीर के दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल में। अरविंद केजरीवाल के लोग मरने के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल के लोग तिहाड़ जाने के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल के युवा जो जितने भी युवा है वो जेल जाने के लिए तैयार है। वो क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल रोजगार देने की बातें करता है, अरविंद केजरीवाल बिजनेस देने की बात करता है, अरविंद केजरीवाल पढ़ाने की बातें करता है, अरविंद केजरीवाल देश की भविष्य बढ़ाने की बातें करता है। बीजेपी सिर्फ बातें करती है धर्म की और जाति की। आज जो भी युवा पढ़ा लिखा है वो धर्म और जाति पर नहीं चलता, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर आगे। यहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव की, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का 400 सीटों पर जा रही है, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि आपकी बात 400 पार। देखिए, भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है उसमें हमारी सोच गलत है। भाजपा कह रही है 400 पार, पेट्रोल 400 पार, 400 पार डीजल 400 पार। तो भाजपा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए कह रही है। भाजपा कहती है अच्छे दिन आए, अच्छा आए, जो भाजपा कहती है उसका उल्टा होता है। तो भाजपा कभी सीधे काम नहीं करती, भाजपा से उल्टा काम करती है। भाजपा महंगाई बढ़ाने का काम करती है, भाजपा 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए पहुंचाने का काम करती है, भाजपा 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में ले आने का काम करती है, 50 रुपए का डीजल 100 रुपए ले आने का काम करती है। ये काम भाजपा करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा क्या करती है, अच्छे वाले स्कूल जो चल रहे हैं उन्हें बंद कराने का काम भाजपा करती है। क्या लगता है कि भाजपा जो है वो लगातार जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ये महंगाई बढ़ाने का काम करती है, महंगाई रोजगार नहीं दे रही है, मतलब यहाँ पर किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख भी एक जुमला है, तो वो साबित कर रहे हैं देश की जनता को, वो बता रहे हैं कि वो जो भी नेता बीजेपी का नेता कहता है वो एक जुमले की बातें करता है और इन जुमले बातों पे आप यकीन मत कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, बीजेपी जुमले का काम करती है, जुमले के अलावा निकाले हुए, बीजेपी जुमले के अलावा कोई काम नहीं करती है। अब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर आम आदमी पार्टी चल रही है, झाड़ू चल रही है, झाड़ू झाड़ू चल रहा है। हर इंसान चाहती है कि केजरीवाल आए और गठबंधन मजबूती से इलेक्शन लड़ रहा है और दिल्ली में सबसे लेके आएगा। आज जो भी जंतर मंत्र